हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कश्मीरी पुलाव। इसमें सबसे पहले पैन में घी गरम करेंगे। अब इसमें जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता डाल के 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसमें अदरक, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च डालकर 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसमें काजू टुकड़ा, बादाम डालकर 2 मिनट के लिए भूनेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और काजू भी हल्का हल्का लाल हो गया है, तो अब इसमें सौंफ, नमक, किशमिश, लाल मिर्च पाउडर डालकर 2 मिनट भूनेंगे। अब इसमें चावल जो हमने आधा घंटा पहले सोक करके रखे थे वो डाल के भूनेंगे। दो मिनट तक भूनना है। 2 मिनट हो गए हैं। अब हमने जिस नाप से चावल लिए थे उससे डबल पानी डालना है। अब इसको ढककर 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको एक बार चेक करेंगे। अच्छे से हिलाएंगे और 5 मिनट के लिए दोबारा रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। चलिए हम चावल चेक कर लेते हैं। सारा पानी सूख चुका है और चावल भी गल चुके हैं। आप अगर चाहें तो चावल का टुकड़े को ऐसे हाथ में लेके चेक कर सकते हैं। अगर चावल का दाना ऐसे टूट जाता है तो इसका मतलब चावल रेडी हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और 15 मिनट का इसको स्टैंडिंग टाइम देंगे। ढककर रखेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं। चलिए अब पुलाव को खोलकर देखते हैं। हमारा पुलाव एकदम रेडी है। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। एंजॉय। बाय बाय।